बीच में शायद वीडियो एंड हो गया था। अब हम लेते हैं इसके ग्राउंड का रूप। लंबाई 13 या 12 मीटर, चौड़ाई 10 या 8 मीटर रहती है। पुरुषों के लिए 13 मीटर चौड़ाई, 10 मीटर, महिलाओं के लिए 12 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई। इसके बाद आती है लॉबी। दोनों तरफ एक एक मीटर पर, दोनों तरफ एक एक मीटर लॉबी होती है, जो कि स्ट्रगल या संघर्ष के दौरान मैदान का हिस्सा बनती है। मैदान मिड लाइन से दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कहा जाता है मिड लाइन। मिड लाइन से पहली लाइन बनती है बक लाइन, जो कि होती है 375 या 3 मीटर। 375 सीनियर वर्ग में पुरुषों में और 3 मीटर महिलाओं में। फिर आती है बोनस लाइन। ये बक लाइन हो गई, ये है बोनस लाइन। ये होती है 475 मीटर या 4 मीटर। मिड लाइन से बोनस लाइन रहती है 475 या 4 मीटर पे। कहने का मतलब है कि बक लाइन से 1 मीटर आगे बोनस लाइन होती है और उससे 175 मीटर आगे एंड लाइन होती है। फिर यहां आता है सिटिंग बॉक्स। ये होता है 8 × 1 या 6 × 1। लॉबी को दोनों तरफ छोड़कर बीच के जो कोर्ट है उसके माप के अनुसार सिटिंग बॉक्स रहता है, जिसका डिस्टेंस एंड लाइन से 2 मीटर दूर होता है। जिसका डिस्टेंस क्या है, एंड लाइन से 2 मीटर दूर ये बनाया जाता है। ये हो गया आपके ग्राउंड का रूप। अब हम जिस कबड्डी शैली को जानते हैं वो 3 तरह से है। सवालों का रूप भी आ चुका है। कबड्डी 3 शैली में होती है, संजीवनी, अमर और गामिनी। एक अलग प्रकार से और खेली जाती है, जो विशेषकर पंजाब में खेली जाती है, जिसे कहा जाता है सर्किल कबड्डी। तो संजीवनी को अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ और भारतीय कबड्डी संघ मान्यता प्रदान करते हैं, जिसे नेशनल कबड्डी भी कहते हैं संजीवनी को ही। संजीवनी और नेशनल कबड्डी में खिलाड़ियों का फिक्स होता है, 7 खिलाड़ी होते हैं। बाकी अमर, गामिनी, सर्कल, इसमें खिलाड़ी बढ़ जाते हैं तो मैदान का माप भी बढ़ा दिया जाता है। संजीवनी में खिलाड़ी आउट होता है तो बाहर जाता है, विपक्षी का खिलाड़ी आउट होने पर वह अंदर आ जाता है। जबकि अमर और गामिनी बाकी शैलियों में सारे खिलाड़ी एक बार बाहर जाएगा फिर वापस एक साथ अंदर आएंगे। तो ये फर्क जो है इन दोनों ही शैलियों में देखा जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि इसके कई नाम भी हैं कबड्डी के अलग अलग राज्यों में, जिसमें हुतुतु आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में, इसी तरह चेडू गुडू जो है वो तमिलनाडु में, फिर डूडू जो है वो आपके बंगाल और नेपाल में डूडू नाम से जाना जाता है, फिर हुडूडू नाम से आपके ये बांग्लादेश में जाना जाता है, और गुडू नाम से श्रीलंका में, और इंडोनेशिया में ये चब के नाम से खेल जाना जाता है।
जो उच्चारण रेडर द्वारा होता है उसी नाम से इस खेल को अलग अलग जगहों में जाना जाता है। हमने ये ग्राउंड मेजरमेंट देखा, इसके पश्चात हम आते हैं इस तरह से ग्राउंड का जो रूप है वो रहता है। अब देखिए कबड्डी के एक टीम में 12 प्लेयर, ठीक है, 12 खिलाड़ी होते हैं जिनमें 7 प्लेइंग होते हैं, 12 खिलाड़ी 7 प्लेइंग। इसके पश्चात हम देखते हैं कबड्डी को खेला कैसे जाता है। सबसे पहले सात सात खिलाड़ियों की टीम ऑन द ग्राउंड होती है, प्लेइंग मेंबर्स होते हैं। टॉस के द्वारा रेड या डिफेंस का सिलेक्शन किया जाता है कप्तान के माध्यम से। इसमें जो खिलाड़ी विपक्षी खिलाड़ियों को आउट करने के लिए जाता है उसे रेडर कहा जाता है, रेडर। और जो रेडर को पकड़ते हैं आउट करने का प्रयास करते हैं उन्हें कहा जाता है कैचर, ठीक है ना, वो होते हैं एंटी रेडर, कैचर रूप में। कबड्डी में जो रेड करता है उसके द्वारा जो उच्चारण किया जाता है उसे कहा जाता है कैंट। जैसे कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करते हुए रेड की जाती है, तो ये जो उच्चारण का रूप है इसे कैंट कहा जाता है। एक रेडर इसमें अटैक करने जाता है और वो 30 सेकंड रेड की अवधि में रेड करके कंप्लीट करके आ जाना चाहिए। 30 सेकंड उसे एक रेड को मिलते हैं। कम से कम बक लाइन को छूना अनिवार्य होता है और बक लाइन छूकर आप वापस अपनी कोर्ट में आ जाते हैं तो ये एम्प्टी रेड कहलाती है, खाली रेड कहलाती है। फिर इसके अगले क्रम में विपक्षी खिलाड़ी रेड करने आता है और आउट करने का प्रयास करके वापस लाइन क्रॉस करता है तो वहां पर खिलाड़ी को आउट करके विपक्षी को पॉइंट दे दिए जाते हैं। एक खिलाड़ी आउट होने पर एक अंक मिलता है। कम से कम 6 या 7 खिलाड़ी पर बोनस लाइन को अंदर जाने पर, बोनस लाइन के अंदर जाने पर और पिछले वाले कोर्ट से कांटेक्ट छोड़ने पर विपक्षी टीम को एक बोनस अंक दिया जाता है। जो अटैक रेडर है उसे एक बोनस अंक मिलेगा जब यह इस लाइन के अंदर प्रवेश करेगा, बोनस लाइन के अंदर प्रवेश करेगा और विपक्षी कोर्ट से अपना पैर उठाकर कांटेक्ट छोड़ देगा, तब उसे बोनस अंक की प्रक्रिया होती है जिसे थंब के माध्यम से बताया जाता है। कम से कम बोनस 6 या 7 खिलाड़ी पर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है, इसमें जैसे ये एक खिलाड़ी रेड करने गया ए वाला और आउट हो गया तो वो यहां पर आ जाता है ए। अब आएगा बी का खिलाड़ी और अगर ये ए को आउट कर देता है, ए के 2 खिलाड़ी को आउट कर देता है तो ये आउट बाहर आ जाएंगे। अब वापस ए का खिलाड़ी जाएगा और वो 1 और 2 खिलाड़ी आउट कर देगा तो ये वाला और ये वाला खिलाड़ी
जो जिस क्रम में टच हुआ है उसी क्रम में वो अंदर आएंगे, ठीक है ना। जो जिस क्रम में आउट हुआ है उसी क्रम में वो वापस अंदर एंटर करेंगे। तो ऐसे में कम से कम 6 या 7 खिलाड़ियों पर बोनस अंक मिल सकता है, साथ ही साथ आउट होने पर विपक्षी के एक खिलाड़ी पर 1 अंक दिया जाता है, 1 खिलाड़ी आउट करने पर 1 अंक मिलता है। अब यहां आती है डू और डाई रेड। डू और डाई रेड एक नया फॉर्मेशन है जिसमें अगर रेडर 2 खाली रेड करते आता है, एम्प्टी रेड जिसे कहते हैं, 2 बार ए टीम ने 2 रेड की, लगातार 2 रेड में कोई भी आउट नहीं हुआ है, तो तीसरी रेड उस ए टीम के लिए डू और डाई रेड कहलाती है, जिसमें आपको या तो बोनस अंक लाना होगा या आपको विपक्षी को आउट करके आना होगा, अन्यथा विपक्षी को अतिरिक्त अंक दे दिया जाता है। डू और डाई में उसको आउट मान लिया जाता है रेड को, रेडर को। इसी तरह आती है सुपर रेड। सुपर रेड में क्या होता है कि जब रेडर 3 या 3 से अधिक अंक 1 रेड में लेके आता है तो उसे कहा जाता है सुपर रेड। फिर अगला टर्म आता है सुपर टैकल। सुपर टैकल में जब डिफेंसिव टीम डिफेंडर 3 या 3 से कम होते हैं और वो रेडर को आउट कर देते हैं, वापस से सुनिएगा, जब डिफेंसिव टीम के 3 या 3 से कम खिलाड़ी होते हैं और वह रेडर को आउट कर देते हैं तो इसे कहा जाता है सुपर टेकल, और इसके लिए विपक्षी को अंक मिलता है सुपर टेकल में, अतिरिक्त 1 अंक दिया जाता है सुपर टेकल का। इस सुपर टेकल की प्रक्रिया में किसी भी रूप में खिलाड़ी आउट जो है वो अंदर नहीं आएगा, केवल पॉइंट मिलेगा, अंदर खिलाड़ी एंटर नहीं करता है, जो आउट हुआ हुआ खिलाड़ी है वो अंदर नहीं आता है, केवल अंक ही इसमें दिया जाता है, ये कहलाता है सुपर टेकल। तो डू एंड डाई रेड, तीसरी रेड होती है खाली, लगातार 2 होने पर तीसरी रेड डू और डाई बनती है, 3 या ज्यादा अंक लेने पर वो सुपर रेड होती है, और कम से कम 3 खिलाड़ी डिफेंडर मिलकर जब रेडर को आउट कर देते हैं तो इसे सुपर टेकल कहा जाता है, जिसमें 1 अतिरिक्त अंक दिया जाता है। रेड की अवधि 30 सेकंड होती है, उसमें अगर आपने रेड कंप्लीट की या आप बकलाइन को नहीं छूकर आए तो रेडर आउट हो जाता है। तो ये नए फॉर्मेशन कुछ लेटेस्ट कबड्डी में शामिल हुए हैं, जो पुराने लोग हैं उनको ये नहीं थे उस समय, अब ये प्रो कबड्डी के बाद ये शामिल हो चुके हैं। अब हम देखते हैं खेल की अवधि जो है 20 मिनट पुरुष के लिए, सवाल आ चुका है पिछली बार, 15 मिनट महिला के लिए होती है, 20-5-20 पुरुष के लिए, 15-5-15 महिलाओं के लिए। इसके बाद जो है गोल्डन रेड होती है, जिसमें गोल्डन रेड में आपको बक लाइन ही बोनस लाइन बन जाती है और वहां पर आपको पॉइंट लेकर आना होता है, 1-1 रेड दोनों तरफ मिलती है गोल्डन रेड। नेक्स्ट आता है पेनल्टी। ग्रीन कार्ड है चेतावनी, येलो कार्ड है 2 मिनट आउट, और फिर है रेड कार्ड परमानेंटली आउट। ग्रीन कार्ड चेतावनी, 2 ग्रीन कार्ड बनकर 1 येलो कार्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली, और उसमें 2 मिनट का आउट है और 2 येलो मिलकर 1 रेड कार्ड होता है, जिसमें डिस्क्वालिफाइंग प्लेयर को कर दिया जाता है। फिर आता है टाइम आउट। एक हाफ में 2 टाइम आउट, जिसकी अवधि होती है 30 सेकंड, जो
एक हाफ है, दो हाफ का खेल है, तो एक हाफ में दो टाइम आउट प्रत्येक टीम को मिलते हैं और एक टाइम आउट का ड्यूरेशन रहता है 30 सेकेंड। कुल मिलाकर दोनों टीमों के टाइम आउट मिलाए तो चार हो जाते हैं, 30-30 सेकेंड के चार टाइम आउट दोनों टीमें अपने अपने हिस्से में ले सकती है, दो एक टीम ले सकती है, दो टाइम आउट एक टीम ले सकती है प्रत्येक हाफ में। फिर आता है निर्णायक में एक रेफरी, दो अंपायर, एक रेफरी दो अंपायर, एक टाइम कीपर, सॉरी एक स्कोरर और दो सहायक स्कोरर। एक रेफरी दो अंपायर, एक स्कोरर और दो सहायक स्कोरर, इसमें कुल 6 ऑफिशियल की टीम जो है वो कार्य करती है। रेफरी टाइम का भी ध्यान रखता है, दो अंपायर आउट और रेड का ध्यान रखते हैं, स्कोरर स्कोर शीट में रिकॉर्ड लिखता है और दो सहायक स्कोरर जो होते हैं वो खिलाड़ियों के इन और आउट में स्कोरिंग करते हैं, ध्यान रखते हैं कौन सा खिलाड़ी आउट ऑफ कोर्ट हो गया, कौन सा खिलाड़ी बाहर निकालना है, किसको अंदर लाना है, ये दो सहायक स्कोरर का दोनों ही टीमों की तरफ कार्य रहता है। तो ये इस प्रकार से खेल की प्रक्रिया होती है। जो टेक्निकल शब्द है एक लोना, इस पर मिलते हैं 2 अंक। जब 7ों ही खिलाड़ी किसी टीम के आउट हो जाते हैं, 7वां खिलाड़ी जैसे ही आउट होता है और कोर्ट खाली हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में लोना मिलता है विपक्षी टीम को, जिसमें 2 एक्स्ट्रा पॉइंट या अतिरिक्त अंक जो है वो खिलाड़ी को दिए जाते हैं, टीम को दिए जाते हैं, जिसे कहा जाता है लोना। सवाल जो इस संदर्भ में आया हुआ है कि लोना में कितने अंक होते हैं, तो वो होते हैं 2 अंक, ठीक है ना। जैसे 1 आउट हुआ, 2 आउट हुआ, 3, 4, 5, 6 और 7वां जैसे ही आउट होता है, टीम पूरी आउट हो गई और टीम वापस अंदर आ जाएगी, तो इस स्थिति में आउट होने वाले खिलाड़ी पर तो 1 अंक मिलेगा ही मिलेगा, अतिरिक्त अंक जो है वो लोना के रूप में 2 और दिए जाएंगे। सवाल का एक साधारण रूप और एक इंटेलिजेंसी रूप जो है आता है कि एक रेड में कोई भी रेडर अधिकतम कितने अंक ले सकता है, तो वो 10 अंक ले सकता है। एक बोनस का अंक, 7 खिलाड़ियों को आउट करने का अंक और 7ों खिलाड़ी आउट करने पर लोना के रूप में 2 मिलने वाले अंक। 1, 7 और 2 टोटल 10 अंक जो है एक रेड में कम से कम अधिकतम जो है वो लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से खेल की प्रक्रिया का संचालन होता है। एक और एक अल्टरनेट रूप से एक एक रेड दोनों तरफ चलती रहती है, खिलाड़ी आउट होते रहते हैं, बाहर जाते हैं, बोनस के अंक मिलते हैं, आपके सुपर टेकल का अंक मिलता है और खिलाड़ी को आउट करने का अंक मिलता है और 4था लोना में अंक मिलता है। इन 4 सिचुएशन में अंक अतिरिक्त रूप से मिलते हैं। खेल में जिसके स्कोर टोटल स्कोर जिसका ज़्यादा होगा वो टीम विजेता होगी, अगर बराबर स्कोर रह गया तो गोल्डन रेड की प्रक्रिया अपनाई जाती है। विश्व कबड्डी संघ में अलग है, विश्व कबड्डी संघ 5-5 एक्स्ट्रा रेड और देता है, तो विश्व कबड्डी संघ का रूल अलग है। वर्तमान में कबड्डी खेल जो है वो टेराफ्लेक्स सरफेस पर मैट पर खेला जा रहा है और अब ये काफी फास्ट गेम जो है हो चुका है। चलिए अब चलते हैं पुरस्कार में। प्रथम अर्जुन पुरस्कार, ये है सदानंद शेट्टी, सदानंद शेट्टी को 1972 में पहला अर्जुन पुरस्कार मिला। फिर नेक्स्ट आ जाता है 2019 अर्जुन पुरस्कार,
अजय ठाकुर 2019 में अर्जुन पुरस्कार मिला है अजय ठाकुर और राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार है नवनीत गौतम, राजस्थान से नवनीत गौतम 2010 में भारतीय टीम के कप्तान थे, उनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। फिर आ जाता है प्रथम द्रोणाचार्य, ये है ई प्रसाद राव, ई प्रसाद राव 2002 में और 2019 द्रोणाचार्य रणबीर सिंह खोखर, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है रणबीर सिंह खोखर को और पहला ध्यानचंद पुरस्कार यह दिया गया शमशेर सिंह, में तो पहला अर्जुन पुरस्कार सदानंद शेट्टी 1972 में, 2019 में अजय ठाकुर को अर्जुन पुरस्कार मिला है, राजस्थान से मिल चुका है 2007 में ही नवनीत गौतम को, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार ई प्रसाद राव 2002 और फिर मिला है 2019 में रणबीर सिंह खोखर और पहला ध्यानचंद पुरस्कार मिला है शमशेर सिंह 2007 में। यह अभी तक कबड्डी के अंतर्गत पुरस्कारों की प्रक्रिया हो चुकी है। तो ये कबड्डी का जो खेल है जिसके विभिन्न पैमाने आपने देखे, इतिहास के अंतर्गत दर्ज रिकॉर्ड और उसके साथ साथ खेल का मैदान का माप, खेल की अवधि, टाइम आउट और पेनल्टीज के रूप, खिलाड़ियों की संख्या, निर्णायकों के रूप, एंटी किसे कहा, कैंट किसे कहते हैं, एंटी रेडर या एंटी किसे कहा जाता है, जो पकड़ता है वो एंटी रेडर या एंटी कहलाता है, रेडर रेड करता है और खिलाड़ियों को आउट करने का प्रयास करके अंक लेना चाहता है, एक जो कौशल के जो रूप होते हैं वो कौशल के रूप क्या है, रेडर के लिए होता है टो टच और बैक किक, ये महत्वपूर्ण कौशल है, टो टच और बैक किक रेडर के कौशल है। इसी तरह से डिफेंडर के जो कैचर के या एंटी के जो कौशल होते हैं वो होते हैं आपके नी होल्ड, एंकल होल्ड, थाई होल्ड, ये होते हैं डिफेंडर के या कैचर के एंटी के कौशल, थाई होल्ड हो गया, एंकल होल्ड हो गया, नी होल्ड हो गया, ये पैर को पकड़कर आउट करने का प्रयास जो है वो किया जाता है। तो 30 सेकंड एक रेड की अवधि होती है जिस पर सवाल आ चुका है। तो ये इस प्रकार से कबड्डी के खेल की जानकारी आपको मिली। एक टेस्ट का प्रक्रिया आज आपके साथ अपनाई गई थी, जो पूर्व में आरपीएससी एग्जामों में सवाल आ चुके हैं वही सवाल आपको आज एक ट्रायल के तौर पर दिए गए थे, परंतु अब जो 29 अगस्त को खेल दिवस पर जो टेस्ट होगा आयोजित वो आपके लिए बिल्कुल नया होगा, सवालों की प्रक्रिया कुछ जानी पहचानी होगी, कुछ अनजान सी होगी और उसमें कई चीजें आप जैसे नया ऑर्डर आएगा तब उसमें मॉडिफाई करेंगे, अभी तक तो वो मान्य है, जब तक एमओएस का मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का नया सर्कुलर नहीं आता तब तक हम उस चीज को अभी नहीं बदल सकते। कुछ ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। एक प्रयास जो प्रकाश जी ने किया है बहुत अच्छा लगा मेरे को देखकर कि ऑनलाइन टेस्ट का रूप आपके लिए भी बहुत बेहतर साबित होगा, जानकारियां मिलेगी आपको, आपको खुद को अपना एनालिसिस होगा। निरंतर हम आपके इस जो सेवा है उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आपकी बेहतर के लिए, आपके सफल जीवन के लिए, भविष्य उज्ज्वल के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। बहुत से सहयोगी है, प्रकाश जी बिट्टू हैं, प्रकाश जी हैं, प्रेम सिंह जी बिट्टू हैं और भुवनेश जी सर हैं, सभी ने मिलकर एक अच्छा
कार्यक्रम जो है शुरू किया और बहुत ही अच्छा इसमें जेपी साकला जन योग से तो निरंतर एक अच्छा वातावरण जो है ये मंच शारीरिक शिक्षा में दे रहा है। इसी तरह कार्य करते रहेंगे, हर सैटरडे संडे को आपके साथ मिलते रहेंगे, इस खेलों की प्रक्रिया विषय की जानकारी प्रदान करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही कहूँगा, धन्यवाद।